नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मैं यही कामना करती हूँ कि आप सभी सदा व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। दर्शकों, यदि आप सपने में किसी के नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यह स्वप्न शुभ है या अशुभ। साथ ही साथ अगर आप ऐसा स्वप्न देखते हैं तो आपको कौन से उपाय करने की आवश्यकता है। दर्शकों, यदि बात की जाए कि आप सपने में किसी नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, बेहद ही शुभ संकेत है। यह स्वप्न इस बात का सूचक है कि आपकी कोई बड़ी आकांक्षाएं और मनोकामनाएं जल्द पूरी होने वाली है। कैरियर और व्यापार की दृष्टि से भी यह बहुत ही उत्तम स्वप्न माना जाता है। इसके सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेंगे। कुल मिला के यदि देखा जाए तो यह बहुत ही अच्छा स्वप्न है और यह स्वप्न देखना आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। अगर आप यह स्वप्न रात के 12 से 2 बजे के बीच में देखते हैं, सपने का फल आपको 3 महीने के भीतर प्राप्त होगा। यही स्वप्न आप 2 से 4 बजे के बीच में देखेंगे, सपने का फल आपको 1 महीने के भीतर प्राप्त होगा। और यही स्वप्न आप 4 से 6 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 हफ्ते के भीतर प्राप्त हो जाएगा। अब यदि बात की जाए कि आप इस स्वप्न को दोपहर या फिर शाम को सोते हुए देखते हैं तो इसका कोई भी अर्थ नहीं रहेगा और यह स्वप्न निरर्थक स्वप्न माना जाएगा। तो दर्शकों, अब यदि बात की जाए कि ऐसे स्वप्न देखने के पश्चात आपको कोशिश यही करनी है कि आप इस सपने को किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि शुभ सपनों को शेयर करने से उनका जो शुभ परिणाम होता है वो कम हो जाता है। इसलिए आप कोशिश यही करें कि आप इस सपने को अपने तक ही सीमित रखें। अगर आप यह स्वप्न देख रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई आप भाग्यशाली हैं, इसमें आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि बात की जाए कि ऐसे स्वप्न देखना आपको और किस बात का सूचना देता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रात रात आप सभी का मंगल हो। आप सभी सदा भी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। भगवान श्री विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदा भी व्यस्त रहे। राधे राधे।